क्या बात हो रही है भाई बुआ जी के लिए है? अरे बुआ जी, इसको निबंध लिखना है। अच्छा बुलबुल, क्या विषय है बेटे निबंध का? भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। अच्छा, आप ये सब तो जानते ही हो कि अंग्रेजी शासन के बाद ही हमें आजादी मिली, उससे पहले नहीं मिली थी। जी, जी, और अंग्रेजी शासन के पहले किसका काल था बताओ तो? मुगल काल था। हाँ, मुगल काल था, है ना? वो भी वर्षों तक रहा, सदियों तक रहा, लेकिन तब भारतीयों ने कहीं आजादी की मांग नहीं की। ऐसा क्यों रहा? क्योंकि उस समय जो मुगल काल के जो हमारे राजा बादशाह महाराजा जो भी रहे, वो लोग बिल्कुल भारतीय परिवेश के अनुसार थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को यूं कहें कि बिल्कुल रच बस गए थे उसमें। सारे त्योहार मनाना है ना, और तिलक लगा के देखो अकबर रहता था, और उसी तरीके से उनका बोलचाल बिल्कुल भारत में, मैंने वहां पे अनुवाद कराना है, तो उर्दू हिंदी सबको प्रोत्साहन मिला था। तो कभी उनको लगा ही नहीं कि हम विदेशियों के चंगुल में हैं। लेकिन जब अंग्रेज आए तो सबसे पहले उनका रूप रंग, उसके बाद उनका खान पान, रहन सहन का ढंग, और सबसे बड़ी चीज भाषा का अंतर, है ना? तो धीमे धीमे, जैसे ही वो धीमे धीमे भारतीयों के करीब आए, क्योंकि पहले तो वो केवल किले ही जीत रहे थे या व्यापार कर रहे थे, जब वो भारत के सीधे शासन भारतीयों के मन निकट में आए, तब फिर भारतीयों को लगा कि हम ये कहाँ पर फंसे या ये कहाँ पर हम जकड़ गए। तो भारतीयों को पहली बार एहसास हुआ कि हम गुलामी की जंजीरों से बिल्कुल मुक्त हो जाए। और आप ये समझ सकते हो कि उनमें सबसे बड़ी चीज किस चीज की कमी थी कि जो ये काम नहीं कर पा रहे थे? मेरे ख्याल से आत्मविश्वास की कमी थी। बिल्कुल सही, शाबाश सोनू, कि आत्मविश्वास की कमी के बिना ही हम कुछ नहीं करने की हिम्मत नहीं मैंने जुटा पाते हैं। उस समय जो क्रांति का मुखर रूप आया था और उसको दबाने के लिए जब अंग्रेजों को प्रयास करने पड़े, तब उनको यह एहसास हुआ कि क्यों ना ऐसा तेज परिवहन हमारा तंत्र हो कि यहाँ से बहुत जल्दी से सेना पहुंचे और दमन कर दे सेना का। तो उन्होंने किस किस का मैंने भारत में चलन किया? रेलगाड़ी का। हाँ ठीक है, आप बताओ नानू। सड़क का किया। टेलीफोन का किया कि भाई यहाँ से खबर तुरंत पहुंचे। तो इस तरीके से किया तो उन्होंने भारतीयों के हित में नहीं किया था, बल्कि अंग्रेजी शासन के हित से किया गया था, लेकिन वो अपरोक्ष रूप में भारतीयों के काम आ गया विकास के। सोनू आप बताओ कि एक और कौन सा उन्होंने किया था कि जो भारतीयों के लिए वरदान बना? अंग्रेजी भाषा का। हाँ, अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता, कि अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता हो, उन्होंने ये भी काम किया। और इससे उनको खास फायदा ये था कि जो अंग्रेजी शासन था उसको चलाने के लिए उनको सस्ते माने कम पैसे दे करके बाबुओं की जरूरत थी जो लिख पढ़ने का काम कर सके। अब भाई भारतीय को अगर देंगे, हिंदी आती है, उर्दू आती है, इससे और कुछ आता नहीं है, है ना? तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम भाषा की अनिवार्यता कर दे, जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तो भैया काम भी अंग्रेजी में करेंगे, है ना? तो अब ये बताओ प्रियांशिया कि वो हमारे लिए वरदान कैसे बन गया? वो हमारे लिए वरदान इस तरह से बन गया कि अगर हम, चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि जब बाहर के साहित्य आया भारत में और जब हमने उसको पढ़ा, आसपास के देशों जैसे इटली है, जापान है, रूस है ना, जर्मनी है, इन सब का इतिहास जब हमने जाना, उनकी क्रांतियां पढ़ी, तो भारतीयों को बड़ा अच्छा लगा कि इतने कम साधन में भी उन्होंने अपने आप को व्यक्त किया और उसमें लड़ाई लड़ी और उसके बाद उन्होंने अपनी आजादी पाई। नेपोलियन बोनापार्ट है, मुसोलिनी है, इनकी पूरी जीवनियां पढ़ने को मिली, तो उससे क्या हुआ, भारतीयों में आत्मविश्वास की संचार हुआ उसका। और इसी समय कुछ हमारे समाज सुधार आंदोलन भी शुरू हो गया था। आप मुझे बता सकते हो कि समाज सुधार आंदोलन के मुख्य नेता कौन कौन से थे? सोनू आप बताइए। राजा राम मोहन राय हो गए, जैसे राजा विवेकानंद हो गए, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, हाँ, तो ये सब के सम्मिलित प्रयास थे, इनका लेखन था, इनके वचन थे, जो भारतीय के मन में उन्होंने उत्साह का संचार किया। और इसके साथ साथ बहुत सारी किताबें भी लिखी गई जिन्होंने भारतीयों के दिल पर बड़ा गहरा असर किया, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी की थी, आनंद मठ हो गई, है ना, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखी कि जितने नील खेती करते हैं उन किसानों के ऊपर जो ब्रिटिश उनके अत्याचार हो रहे थे, तो उसको वो उस किताब में दर्शाया गया था। और एक और बुक थी, वो गीतांजलि थी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की थी। हाँ ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले भारतीयों में ये भावना आई कि अब हम भी कुछ कर सकते, उनमें शक्ति का एहसास हुआ। अच्छा, अब इसी समय क्या कहते हैं, 1885 का ही काल आ गया और भारतीय कुछ कुछ संभले, कुछ आत्मविश्वास आया। अब ये समस्या थी कि उनके स्वर को मंच कैसे मिले, है ना? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और उसकी स्थापना हमें कौन बताएगा, किसने की? बताओ बेटे। एओ ह्यूम ने। हाँ, एओ ह्यूम ने उसकी स्थापना की, और इस ख्याल से कि
भारतीयों का जो असंतोष है इस मंच पे आकर के खुले और उसको हम अंग्रेजों तक पहुंचाएं, तो एक साधारण तरीके से अंग्रेज तो हमारी बात पहुंचे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास है उसको हम तीन चरणों में बांट सकते हैं भाई, 1885 से लेकर 1905 काल, उसमें रहा है समय नरम दल और विनम्र प्रार्थना वाला युग, नरम दल जिसे नरम दल उसमें काम कर रहा था, और इसके मुख्य नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, फिरोज शाह मेहता है, दादा भाई नौरोजी है। तो ये इस बात पे यकीन करते थे कि क्यों ना हम अपनी बातों को बहुत ही विनम्र तरीके से सरकार के सामने रखें तो निश्चित रूप से हमारी बात मान लेंगे। लेकिन जैसे ही 1907 का भारतीय कांग्रेस का जब जलसा हुआ तो अब विचारों में अंतर शुरू हो गया, क्योंकि इतने सालों में भारतीय सरकार जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने भारतीयों की बातों कुछ खास नहीं तवज्जो दी, तो उन्हें लगा कि ये काम ऐसे नहीं होगा। और तीन मुख्य नेता जो हैं इस समय उभरे, और वो कौन थे? बाल लाल पाल। हाँ, उनके पूरे नाम बताओ। बाल गंगाधर तिलक। हाँ। लाला लाजपत राय। सही है। बिपिन चंद्र पाल। सही है, क्या कहते हैं, शाबाश बेटा। अब जब इन नेताओं का प्रयास रहा और उग्र राष्ट्रवादिता का काल रहा, तो इस समय इनका ये था कि अंग्रेजों से जब हम सीधी बात जोर से अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे तो इनको माननी पड़ेगी, सीधे संविधान सभा में जाएंगे और उनसे बातें कहेंगे अपनी। और 1919 तक ये काल चलता रहा, है ना। और इसी समय एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन भी चला, है ना, आया था, और उसने जो कांग्रेस के बीच में फूट पड़ी थी उसको जोड़ने का भी प्रयास किया लखनऊ सम्मेलन के माध्यम से। अब इसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने भारतीयों को ही नहीं विश्व में भी मैंने ब्रिटिश अत्याचार की एक नमूना रखा कि कितना ब्रिटिश अत्याचार कर सकता है एक निहत्थे भारतीय पर। कौन मुझे बताएगा कि बैसाखी के दिन 1919 को ये एक घटना हुई थी? जलियावाला कांड। हाँ, शाबाश नानू। और जलियावाला कांड जो है उसमें जो जनरल था उसका नाम प्रियांशा को पता है? नहीं। जनरल ओ डायर। और उसने चुपके से जब देख रहा था कि सभा बैसाखी के दिन अपना एक मैंने पूजा का दिन था उनका, पंजाब में बैसाखी बहुत अच्छे से मनाई जाती है, तो वो लोग अपनी सभा कर रहे थे, वो चुपके से अपने बाग में पीछे से आया, बहुत बड़ी टुकड़ी लेके सेना की, और उसने क्या किया, डिशुम गोली चला दी। हाँ, और क्या हुआ कि बहुत सारी निहत्थी सेना थी, इसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, सबके सब कुएं में भी कूद गए थे और दीवारों पर चढ़ रहे थे तो उनको भी मार डाला, तो पूरा जो अपना मैदान था वो फट गया था लाशों से। चलिए, जलियांवाला कांड ऐसा हुआ कि जिससे गांधी जी हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने अपने अपने सरकारी मेडल त्याग दिए और ये कसम ली कि अब हम देश के लिए काम करेंगे एकजुट होकर के, और असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया। और असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया तो भारतीय को उन्होंने एक अनोखा सा अस्त्र दिया, वो था अहिंसा का। अहिंसा माने हिंसा करते हुए हम किसी का विरोध करें, और असहयोग आंदोलन का मतलब है हम सहयोग ही ना करें, भाई स्कूल नहीं जाएंगे, वकालत चल रही है तो उन्होंने सरकारी वकालत जो कार्यालय थे उनका में हम मैंने अपनी प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें थी जिससे अब अंग्रेजों को लगा कि ये तो बिल्कुल मुखर होकर हमारे सामने आ रहे हैं और अब काम कैसे चलेगा। तो असहयोग आंदोलन जब चला तो उसका अंत ऐसा हुआ कि चौरी चौरा कांड हुआ और कुछ भारतीयों ने उन सिपाहियों पर उनको आग लगा दी पुलिस चौकी में। गांधी जी बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने अचानक, जबकि वो बहुत ही अपनी चरम सीमा पर था आंदोलन, उस आंदोलन को वापस ले लिया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता जो है वो हक्की बक्की रह गए कि जब हमारा आंदोलन चरम सीमा पर है तो आपने वापस ले लिया। तो गांधी जी इसके बाद बिल्कुल मैंने गांधी जी को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, और इस समय जो राजनीति में वर्चस्व रहा वो नेहरू जी का सुभाष चंद्र बोस का रहा या युवाओं का रहा। इसके बाद आता है साइमन कमीशन 1927 में। साइमन कमीशन की खास बात क्या थी कि इसका विरोध कर रहे थे पंजाब में लाला लाजपत राय, तो उनके ऊपर लाठियां चला दी और वो मृत्यु हो गई थी। अब तो एक क्रांतिकारी बवाल उठा और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे उनको लगा कि ये देखिए ये क्या हो रहा है, तुम्हारे नेताओं को जो हमारे इतने प्यारे हैं उनको खुलेआम मारा जा रहा है और हम अहिंसा ही कर रहे हैं, तो ये चीज कुछ युवा मन को अहिंसा का जो अस्त्र था वो गले नहीं पड़ रहा था। अब इसके बाद जब 1927 में कमीशन आया, साइमन कमीशन, इसके बाद घटना होती है हमारी क्या कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपको पता ही है कि एक बहुत लंबी पदयात्रा हुई थी। मुझे कोई बताएगा कि पदयात्रा कौन सी थी और क्या नाम था? दांडी पदयात्रा थी। और इसमें एक कानून तोड़ा गया था, कौन सा कानून था वो?
नमक कानून है ना। और गांधी जी ने एक सांकेतिक रूप से एक ऐसा मैंने एक अपना वो रखा विचार कि जिससे घर की औरतें तक इस आंदोलन में निकल आई। उनके हाथ में क्या होते थे, भगोना, चमचा और दो ईंटे, खड़ा कर दो, चूल्हा बनाओ, पानी रखो और उस पर नमक कानून बना करके सरकार का सांकेतिक विरोध करते थे। धरपकड़ हुई, बहुत सारे जेल में लोग गए और आंदोलन जो है वो बहुत अपनी चरम सीमा पर रहा। इसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आया, जो प्रांतीय सरकारें बनी थी 1935 के अधिनियम के द्वारा उन्होंने इस्तीफा दिया कि भाई अब हम जो है ऐसे सहयोग नहीं कर सकते क्योंकि आपने जबरदस्ती हमें युद्ध में शामिल कर लिया है ना। तो इसके बाद इन लोगों ने मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन की एक मैंने उनको बैठक करी और भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू करने की प्लान किया कि हम बना चलाएंगे इसको। और उसी रात में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी जेल चले गए, बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हो गए। तो वो आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में आई, आप मुझे बता सकते हो, भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर कौन नायिका थी उसकी? ये अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली थी, शाबाश सोनू। तो अरुणा आसफ अली ने, उषा मेहता ने, लाल बहादुर शास्त्री, बहुत सारे नेताओं ने मिलकर के भारत छोड़ो आंदोलन को इतना तेज चलाया। उधर सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की और वहां से अंग्रेजों का समय आ चुका है और भारतीयों ने कच्चा मैंने पक्का ठान लिया था, कच्चा कोई विचार ही नहीं था। तो ये ख्याल देख करके अंग्रेजों ने अंतिम चाल चली कि उन्होंने भारत को बंटवारा ही करके चले जाओ, बंटवारा किया। और उसके बाद उन्होंने जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। बहुत प्रयासों से, बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत से। तो अब बुलबुल समझ में आया ये कहानी कितनी सी आसान थी, इसको तुम निबंध बना के लिख सकती हो। फिर जब अगली बार मिलेंगे तो और भी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और पुस्तकालयों में अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालो, ठीक है।